Hello friends, this video is for Standard 11 Commerce. Commerce is a field which students who have an interest in the field of financial transactions or financial dealings choose this field. Commerce is a field where it includes buying and selling. It includes business, it includes trading, trading at a larger scale, trading at a smaller scale. At each and every scale, commerce is involved. Commerce is a field where it provides you wide ranges of opportunities in the field such as teaching, civil service examination, higher education, as well as in each and every field commerce is involved because commerce includes the management. Agar hum aam bhasha mein kahe to vyavastha, arrangement, management ka matlab hota hai arrangement. और हम हर एक फील्ड में मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हैं एंड इसी के साथ मैनेजमेंट अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो कॉमर्स भी उसमें इंक्लूड होता ही है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर एक चीज परचेज भी होती है और सेल भी होती है तो कॉमर्स उसमें आ ही जाता है. अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से समझना चाहें तो हम देखेंगे कॉमर्स एक्सचेंज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज ऑन अ लार्ज स्केल. एक्सचेंज जो है बार्टर सिस्टम पहले भी हुआ करता था. हमसे जो पूर्वज रह चुके हैं 400 500 बीसी तब भी एक्सचेंज हुआ करता था. कैसे एक्सचेंज हुआ करता था, तब के टाइम पे अगर किसी के पास काव है तो वो लोग मिल्क जो है प्रोड्यूस करते थे एंड मिल्क प्रोड्यूस करके सेल करते थे, राइट. एंड जिनके पास क्रॉप्स एंड फार्मिंग फील्ड है तो वो लोग ग्रो करते थे वीट, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा. हम जानते हैं कि एक केजी वीट और एक लीटर मिल्क दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन अगर किसी को दूध की ज़रूरत है या किसी को वीट की ज़रूरत है तो उसे एक्सचेंज करना ही पड़ता था. दो उसको ज़रूरत हो वीट की या ना हो, पर उसे लेना पड़ता था. दिस वॉज अ नेगेटिव पॉइंट क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू नहीं थी तब. लेकिन अब हमारे पास एक एक्सचेंज वैल्यू है, दैट इज़ मनी. हम सब जानते हैं कि मनी की एक एक्सचेंज वैल्यू है. अब हम जो चाहे एज पर नीड खरीद सकते हैं. तो कॉमर्स इसमें कैसे आया, तो कॉमर्स का इसमें ये योगदान कह सकते हैं कि कॉमर्स जो है वो कम्प्लीटली इंक्लूड करता है बाइंग एंड सेलिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बाइंग एंड सेलिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. जहाँ पे कोई एक बिजनेसमैन, कोई बिजनेस एंटिटी या कोई एक सोल इंडिविजुअल जो क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है और एन नंबर्स ऑफ कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो उसे क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं. अगर हम बात करें तो कॉमर्स अब सिर्फ एक जगह के लिए नहीं रह गया, इट्स अ वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, कंट्री वाइज. हर कंट्री से हम प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, हर कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में भी मिलता है इजीली, तो नेशन वाइड हो चुका है. तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं. हम जानते ही हैं कि मैकडॉनल्ड्स इंडिया का नहीं है और हम जाते हैं मैकडॉनल्ड्स, दो वो इंडिया का नहीं है तब भी वो इंडिया में. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्स कि वर्ल्ड वाइड हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं दो वो कैसी भी प्रोडक्ट हो. गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें अगर, तो गुड्स तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो ही सकते हैं, सिमिलरली सर्विसेज भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है. अगर मैं चाहूँ तो मैं एक इंटरनेशनल बैंक के साथ भी डीलिंग कर सकती हूँ, मैं चाहूँ अगर तो बाहर दूसरी कंट्री से इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ भी डील कर सकती हूँ. तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही कॉमर्स की फील्ड में इवॉल्व हुए हैं. कॉमर्स अगर हम ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो पहले था सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, सिंपली किसी ने बेचा और किसी ने खरीदा. मुझे ज़रूरत थी कपड़ों की, मैं गई खरीद कर आ गई. आज ज़रूरत है, 10 दिन बाद ज़रूरत है, जब भी ज़रूरत पड़ती थी तब खरीद लेते थे. बट अब ऐसा नहीं है, अब कॉमर्स एक वाइडर कॉन्सेप्ट में डेवलप हो चुका है जहाँ पे एक सेलर को खुद के प्रोडक्ट को अच्छे से सेल करना भी आना चाहिए, उसे मार्केट करना भी आना चाहिए. सिंपल एक बिस्किट हो, एक पेन हो, एक पेंसिल हो, जब तक वो चीज़ मार्केट नहीं होगी, लोगों तक पहुँचेगी नहीं एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर प्रमोशन के थ्रू, लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे. क्योंकि अब कस्टमर्स भी स्मार्ट हो चुके हैं, कस्टमर्स को भी चाहिए कि जितना भी पैसा उन्होंने लगाया है, चाहे फिर वो 5 रुपए की पेन पे लगाया हो या 500 रुपए की शर्ट पे लगाया हो, उनको उनकी वर्थ वैल्यू चाहिए कि हमने जितना पैसा लगाया है हमें उतने वर्थ का प्रोडक्ट मिलना चाहिए. इसीलिए दो दो तीन तीन प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन भी होता है, कंपटीशन भी होता है.
दैट्स व्हाई कॉमर्स हैज इन्वॉल्व. तो बाइंग एंड सेलिंग के अलावा इसमें प्रमोशन, प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिशन एंड ट्रेडिंग बढ़ चुका है. कॉमर्स में जनरली तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज सेल, हम बेच क्या रहे हैं, मार्केटिंग. मार्केटिंग के लिए एक टर्म मैं कहूँगी कि अगर किसी गंजे को भी हम कंघी बेचकर दिखा दें, दैट इज कॉम बेचकर दिखा दें, तो दैट इज मार्केटिंग. जिसकी जरूरत भी नहीं थी तब भी उस इंसान को हमने वो चीज़ बेच दी, दैट इज मार्केटिंग. और जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, द बेस्ट सेलर इज द वन हु अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट, सो दैट इज कॉमर्स. जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो, कि कस्टमर को नहीं भी चाहिए था लेकिन हमने उसको इस तरीके से दे दी वो चीज़ और उसको मजबूर कर दिया खरीदने पर, और साथ ही साथ में प्रॉफिट की बात करें अगर, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं होगा तो कॉमर्स कैसे डेवलप होगा. सो दैट इज सेल्स, मार्केटिंग, प्रॉफिट, कस्टमर, दीज आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कॉमर्स. सो बेसिकली दिस. अब अगर हम बात करें कॉमर्स फील्ड की, तो उसमें एक टर्म आता है इकोनॉमिक वैल्यू, या फिर कहें इकोनॉमिक एक्टिविटी. आखिर हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, हम बाइंग सेलिंग आखिर कर किस पर्पज से रहे हैं, तो दैट इज मनी. मनी, अपना सपना, मनी मनी, राइट. मनी नहीं होगा अगर हम कुछ कमाएंगे नहीं, तो हम उस चीज़ को बेचकर कर भी क्या रहे हैं. बिना पैसे की तो दुनिया चलनी नहीं है, दैट इज द फैक्ट. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आपने कोई चीज़ बेची है तो उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, कुछ फाइनेंशियल रिटर्न आपके पास होना चाहिए, कोई मनी या कोई एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की. सो जिस भी चीज़ की एक प्रोडक्ट की एक एक्सचेंज वैल्यू है, अगर हमने कुछ बेचा है या फिर हमने उसके बदले कुछ कमाया है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो भी हम काम करें उसके बदले में हमें पैसा तो मिलना ही चाहिए, चाहे फिर वो एक बेसिक सी टेलर की जॉब कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम स्टिच करके कपड़ा किसी को बेच रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो हम लोगों को पैसा मिलना चाहिए, तो ही वो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा. अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो बिजनेस हुआ. इकोनॉमिक से अपोजिट होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बहुत सारी बार ज़रूरी नहीं है कि हम बिजनेस ही कर रहे हैं. आउट ऑफ सोशल केयर, आउट ऑफ सोशल कंसर्न, हम बहुत सारी बार सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, सो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर वो बिजनेस का पार्ट नहीं होता है. ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम खास करके पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम हमारे मन की शांति के लिए, दैट इज़ माइंड सेटिस्फैक्शन, हमार हार्ट सेटिस्फैक्शन. हमने ये इनिशिएटिव लिया है पर्सनली खुद, इमोशंस, ह्यूमन सेंटिमेंट्स के जरिए, तो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इधर से हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिसमें रिटर्न में हमें पैसा मिलेगा, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिसमें रिटर्न में हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा. सो फॉर एग्जाम्पल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि अगर हम लोग क्लीनलीनेस कर रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, हम एरिया क्लीन कर रहे हैं हमारे आजू बाजू का, सराउंडिंग्स का, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इज अ सोशल सर्विस. एंड अ मदर कुकिंग फूड फॉर हिज सन, दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक मदर कभी अपने बच्चे से पैसे तो नहीं लेगी खाने बनाने के, सो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की, अगर एक शेफ रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, तो दैट इज इकोनॉमिक. क्यों? क्योंकि वो शेफ को उसकी सैलरी मिलने वाली है काम करने की, उसको खाने का पैसा मिलने वाला है. और सिमिलरली अगर एक मदर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर अपने घर में बच्चों के लिए जो खाना बना रही है, तो उससे उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसीलिए वो क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी इसका मतलब जिसमें से रिटर्न हमें क्या मिलने वाला है? मनी मिलने वाला है. रियलिटी में ज़्यादातर हम लोग कमाने के लिए ही कर रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिक, कितने तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने से हमें पैसा कमाने मिलेगा. सो फर्स्टली प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, राइट. सबका एक ही पर्सपेक्टिव होता है कि मैं तो अपना ये बिजनेस करूँगा, मैं इधर जॉब करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ. एग्जैक्टली ये तीन चीज़ें हैं क्या, वो अब हम समझने की कोशिश करेंगे.
जो भी हम काम करें उसके बदले में हमें पैसा तो मिलना ही चाहिए, चाहे फिर वो एक बेसिक सी टेलर की जॉब कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम स्टिच करके कपड़ा किसी को बेच रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो हम लोगों को पैसा मिलना चाहिए, तो ही वो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। सेकेंड फील्ड इज प्रोफेशन। बिजनेस से काफ़ी ही ऑपोजिट है प्रोफेशन। प्रोफेशन की बात करें अगर, तो प्रोफेशन एक ट्रेनिंग प्रोसेस से शुरू होता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग मतलब एक रफ एंड टफ प्रोसेस है, जहाँ पे आपको वो चीज़ अच्छे से सिखाई जाएगी, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, उन रूल्स के दायरे में रह के आपको वो रूल्स सीखने हैं और फॉलो करने हैं। जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, आपकी तालीम, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट? और उस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको इजाजत, या दैट इज परमिशन मिलेगी कि आप ये प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं। और उस प्रोफेशन के बाद आपने वो डिग्री ले ली, आपने वो क्वालिफाई बन गए आप, तो आप क्या कहलाएंगे? कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन कहलाएंगे। एक फॉर्मल क्वालिफाइफिकेशन लेनी पड़ेगी आप लोगों को फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन बहुत सारे तरीके के होते हैं, टीचिंग, डॉक्टर, लॉयर, हर एक को पहले एक फिक्स सेट ऑफ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, दैट इज एजुकेशन लेना पड़ता है प्रॉपरली, प्रैक्टिकली भी एंड थियोरेटिकली भी। आप जब थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आपको सर्टिफाई किया जाएगा कि हाँ, आज से आप ये चीज़ कैरी आउट कर सकते हैं। The examples of the professions. So, for example, non-economic activity का कि अगर हम लोग cleanliness कर रहे हैं, without any consideration हम area clean कर रहे हैं हमारे आजू बाजू का surroundings का, that is a non-economic activity, it is a social service. And a mother cooking food for his son, this is an another example for non-economic activity. एक mother कभी अपने बच्चे से पैसे तो नहीं लेगी खाने बनाने के, so that is a non-economic activity. Let's see the difference between non-economic activity. Here is the glimpse. Employment दो तरीके की हो सकती है, that is white collar job and a blue collar job. अगर हम बात करें blue collar job की and white collar job की, so it clearly determines कि labor जो lower skills पे काम करते हैं, that is for the wages, कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं because they don't have education. Unskilled labor की बात कर रहे हैं हम, और skilled labor दैट इज क्वालिफिकेशन है, जिन लोगों के पास अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है उन लोगों ने, तो दैट इज मैनेजमेंट लेवल जॉब। सो एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरीके के जॉब्स होते हैं। थैंक यू, दिस वॉज द वीडियो कम्प्लीटली फॉर यू एंड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फील्ड कॉमर्स। हैव अ नाइस डे।